अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे फाइनली मैंने शीट मंगवा ली हुई है जो कि मैंने ड्रेसिंग टेबल पे बिछानी थी। तो ये डिज़ाइन है, इसका वुड का डिज़ाइन मैंने मंगवाया था। तो मैंने सोचा सबसे पहले कंघे कंघियाँ और जितनी भी पोनियाँ वगैरह ना ये सारी वॉश कर लूँगी और फिर ही मैं ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो आज के व्लॉग में ये सारी ऑर्गेनाइजेशन करनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। आप भी अपनी टेबल्स वगैरह को अगर ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर पोनियों को मैंने ना सर्फ के अंदर भुगो के रख दिया था नीम गर्म पानी में, ताकि सारी मैल वगैरह जो है ना वो निकल जाए, क्योंकि ये आम यूज़ में आती हैं, बीहा के मैं लगाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दी। फिर ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ जनाब फिरनी, और ये कल दूध आया था 1 किलो, और इसके ऊपर ना इसको मैंने बॉयल किया था और बलाई जो है ना वो ऊपर आ गई थी। तो मैंने फुल क्रीम मिल्क यानी बलाई वाला दूध जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने रख दिया था पकने के लिए, और इसमें मलाई होनी चाहिए, फिर ही ये बहुत अच्छा अच्छी सी फिरनी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने फिर आधा कप जो है ना वो मैंने ले लिया था चावलों का, और इसको ग्राइंड करके ना हम इसके अंदर साथ ही शामिल कर देंगे। दूध पकता रहेगा और साथ में चावल भी इसके अंदर ना मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। तो बस आपने इसको पकाते जाना, जब बॉयल आ जाएगा और थोड़ा सा पक जाएगा ना, फिर आपने पास खड़े होकर इसको हिलाना है ताकि नीचे ना लगे। और साथ में मैंने 2 हरी इलायची और 1/4 कप जो है वो मैंने चीनी का भी शामिल कर दिया। चीनी तो हम बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं कि सही है या नहीं। बस इसको पकने के लिए मैंने रख दिया। तब तक मैंने कहा चलें ये मैं काली मिर्चें जो है ना ये ग्राइंड कर लेती हूँ। ये आज मैंने ना काली मिर्च साबुत मंगवाई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैंने कुछ दिन पहले पाउडर मंगवाया था, और वो जो पाउडर था ना वो इतना ब्लैक था, पता नहीं ये जी भी पाउडर था। पाउडर बना बनाया लेना ही नहीं चाहिए, वो मैं अब वेस्ट करने लगी हूँ, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ में वो पाउडर डालती थी वो चीज़ ही ब्लैक हो जाती होती थी। तो अभी इसके रिजल्ट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप ना कभी भी काली मिर्च का पाउडर बाजार से ना लें, आप साबुत काली मिर्चें लेके ना खुद उसका पाउडर बनाएं। मैंने कहा ना मैं हमेशा खुद ही बनाती थी, लेकिन लास्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैंने बाजार से मंगवा लिया ये वाला पाउडर। तो ये पता नहीं उन्होंने क्या चीज़ मिक्स की है, मुझे तो ये ओरिजिनल लगता भी नहीं है। वैसे तो खुशबू आती है थोड़ी थोड़ी सी, मिर्चें तो उन्होंने डाली ही होंगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पता नहीं इसमें क्या डाला कि जब भी मैं किसी चीज़ में ऐड करती हूँ ना वो चीज़ ही ब्लैक हो जाती है। जैसे कि मैंने जब KFC स्टाइल जिंगर बर्गर बनाया था, उसमें मैंने सॉस बनाई थी ना, उस वो सारी सॉस ही ब्लैक हो गई, व्हाइट सॉस को इसने ब्लैक कर दिया था, इतना काला पाउडर इसके अंदर डाला हुआ है। तो यहाँ पे फिरनी हमारी रेडी हो रही थी, ये देखिए गाढ़ी होना शुरू हो गई। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ना ये बन जाती, बहुत आसान है और जल्दी बन जाती है। तो फिर मैंने इसके अंदर किशमिश और कटे हुए बादाम डाल दिए थे, तो इसको फिर हम थोड़ा सा पका लेंगे। बस फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसकी गार्निश कर लेंगे। तो फिरनी मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि बीहा को बड़ी पसंद आई थी, हमारे नेबर्स ने हमें भेजी थी तो इसने बहुत पसंद की थोड़े दिन पहले, तो मैंने कहा चलो इसको भी बना देती हूँ आज। तो यहाँ पे फिर मैंने फ्राइड राइस भी बनाने हैं, साथ में मैंने चिकन लिया है यहाँ पे 1 पाव और बोनलेस लिया, इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया। ये भी लंच बॉक्स रेसिपी समझ ले मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस 1-1 चम्मच टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे, और साथ में काली मिर्च का पाउडर, ये अभी जो मैंने बनाया था मैंने वो डाला है। अभी देखना मैं आपको दिखाऊंगी ये ब्लैक नहीं करेगा। साथ में मैंने 1 टीस्पून ही इसमें नमक और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मिक्स हुआ और इसने कलर भी जो है वो ब्लैक नहीं किया, ये देखें। तो ये मैं बीहा के लिए बना रही हूँ सुबह लंच बॉक्स के लिए, और साथ में ये फिरनी भी हमारी रेडी हो गई थी। मैंने इसको ना थोड़ा ज्यादा गाढ़ा कर लिया, लेकिन अगर आप थोड़ा पतला रख लेंगे ना फिर भी ये बहुत अच्छी बनेगी। तो मुझे लग रहा था मैंने ज्यादा गाढ़ी कर ली है, खीर बन गई है। तो ये देखिए फिर मैंने इसको गार्निश कर लिया अपनी मर्जी से, कटे हुए बादाम, पिस्ते, काजू, जो भी आप डालना चाहेंगे आप डाल सकते हैं। माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत बहुत अच्छी आई थी। आप बच्चों को बना के खिलाया करें अगर आपके छोटे बच्चे हैं, या फिर अगर आपके घर में स्वीट डिशेस पसंद की जाती हैं, तो ये इंस्टेंट बन जाती है बहुत जल्द और इतनी मज़ेदार बनती है। मैंने जिस जिसको भी टेस्ट करवाई ना वो सारे कह रहे थे कि ये बहुत बहुत अच्छी बनी है। खैर ये बाइट आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर मैं अपनी हेल्पर के साथ मिल गया ना, तो यहाँ पे शीट लगा रही थी।
मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा मेरे साथ मिलके ना ये लगवा दो, क्योंकि ये ना मैं चाह रही थी कि पूरे घर की जो शीट्स है ना वो मैं चेंज कर दूं, क्योंकि ये मैंने ज्यादा सारी मंगवाई थी, तकरीबन 3 गज थी, तो मैं चाह रही थी कि ड्रेसिंग टेबल पे भी आ जाए, इसके अलावा साइड टेबल्स जो है बेड के साथ वाले उन पे भी आ जाए, और बाहर जो टीवी लाउंज है उसके टेबल पे भी, और अभी बाबा के रूम में जो टेबल बना हुआ ना सॉरी रखा हुआ है ना, मैं चाह रही थी उसके ऊपर भी आ जाए। तो यहाँ पे फिर हमने कटिंग वगैरह की, पहले नाप नाप के ही ना हम लोग माप के ही कटिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी लंबी थी, फिर मैंने इसको थोड़ा सा काट के सेट किया, तो ये देखिए अब बिल्कुल बराबर आ गई थी। तो ये इतनी प्यारी लग रही थी इसके ऊपर बिछाई हुई, तो अभी फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फिर थोड़ी सी चीजें जो आम रूटीन में मैं यूज करती हूँ फिर वो मैंने ऊपर रख दी थी। और ये है बाहर टेबल की शीट, ये जो टेबल के ऊपर मैंने शीट डाली हुई थी ना वो ये वाली थी। आप लोग कहते थे कि आपने मार्बल शीट डाली हुई या फर्श वाली शीट डाली हुई, ये शीट चेंज कर लें, अक्सर मुझे ना कमेंट्स आते होते थे, मैंने कहा चले लगे हाथ ये भी चेंज कर ही लेती हूँ, फिर मैंने ये वाली फर्नीचर वाली डाल दी। ये कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मेरा पूरा घर अब कैसा लग रहा है मैं आपको दिखाती हूँ, सारे घर की मैंने चेंज कर दी थी। तो ये टीवी लाउंज की भी होगी, फिर अभी के बाबा के रूम में जो हमने टेबल रखा था ना, जो मेरा आयरन टेबल पहले हुआ करता था, मैंने उनके रूम में रखा था, क्योंकि उन्होंने ना कुछ अपने लैपटॉप मेडिसिन और कोई ना कोई चीज रखनी होती है अक्सर, तो अभी के मेडिसिन भी इधर पड़ी होती हैं अगर वो बीमार हो जाए तो, और भी छोटी छोटी चीजें, तो इसलिए रखा था। और ये वाले जो मेरे साइड टेबल थे ना बेड के साथ वाले, फिर इनके ऊपर भी मैंने वही शीट डाल दी, यानी हर जगह हमने ये डाल दी थी, तो घर बहुत अच्छा लग रहा था, सेम सेम हो गई थी। फिर ये जो खाने थे ना, ये जो नीचे खाने थे इनके अंदर भी हमने बिछा दी थी, और ये ऐसे लग रहा था कि ये अंदर ही लगी हुई है, यानी बहुत अच्छी लग रही थी ये बिछाने के बाद ना, दराजों में भी बिछा दी थी। फिर मैंने एक बास्केट छोटी सी ली, तो यहाँ पे मैंने कहा इसके अंदर ना मैं बिया की पोनिया सॉरी पिंस जो है ना वो डालूंगी सारी, क्योंकि इसकी पोनिया पिंस जो है ना वो बिखरी रहती थी हमेशा, तो मैंने ऑर्गेनाइज करना था ना आज। ये छोटी सी बास्केट ना मैं ही लेकर आई थी बिया के लिए, इसके अंदर टॉफियां वगैरह थी ना, एक प्यारा सा गिफ्ट बना हुआ था मैंने रख ली थी, तो ये एक थी बिहा की, इसमें ना रबड़ बैंड्स हैं, क्योंकि ये जब डबल इसकी छुट्टियां करती हूँ तो ये लगा देती हूँ, ये भी छोटी सी बास्केट में थे वो रख दिए। फिर इसके रेजर शॉर्पनर वगैरह थे, ये एक और बास्केट थी, फिर मैंने ये इसके अंदर डाल के ऑर्गेनाइज कर दिए, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। फिर मैंने इसके जो हेयर बैंड वगैरह थे वो एक साइड पे कोने में रख दिए, और कंघियां जो थी जुए निकालने वाली की जो कंघियां वगैरह होती है और कंघे वगैरह वो भी मैंने एक साइड पे रख दिए, तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हो गया था। और दूसरा जो दराज था ना, मैंने कहा इसके अंदर ना मैं अपनी चीजें रख देती हूँ, वैसे मेरे पास इतना ज्यादा मेकअप है तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो चीजें हैं ना मैंने कहा चले वो मैं अपना अपने सारी चीजें जो है ना वो इस साइड पे रख दूंगी, क्योंकि अभी ने ये छोड़नी नहीं होती, तो अभी मेकअप लाने का कोई फायदा नहीं है। अभी ने 2 दिन में अपना मेकअप कर करके, डॉल्स का मेकअप कर करके ना इसने 2-4 दिन में सारा खत्म कर देना होता है, तो मैं सोच रही थी कि मैंने ना इसलिए कबर इनको ना लॉक भी लगवाए हैं ताकि मैं लॉक कर सकूं। फिर मैंने एक छोटी सी डब्बी के अंदर सेफ्टी पिन्स और ब्लैक पिन्स और अपनी हिजाब पिन्स ना मैंने इसके अंदर डाल के रखी, वो डेंटल फ्लॉस वाली नहीं जो डब्बी होती है मैंने उसके अंदर डाल ली थी, ये बड़ी आसानी हो जाती है मुझे यहाँ से आराम से निकाल के, तो फिर मैं यूज कर लेती हूँ। और फिर इस साइड पे मैंने ये परफ्यूम और थोड़ी सी ज्वेलरी जो थी मेरे पास पड़ी हुई, इयर रिंग्स वगैरह वो रख दिए, कैचर रख दिए, यानी कि इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया अपना जो दराज है ना। और ये थोड़ी सी ज्वेलरी पड़ी हुई थी जिसको फिर मैंने अलमारी के अंदर भी मैंने एक बॉक्स रखा हुआ ना उसके अंदर रख दिया। और ये ज्वेलरी मैं आप लोगों को बड़ी एंटीक स्टाइल दिखाने लगी हूँ, एंटीक तो नहीं है इसको, पुराना स्टाइल कह लें, ये ना 5-6 साल पुरानी ये ज्वेलरी है, ये बिहा के बाबा मेरे लिए लेकर आए थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, उसके बाद ये सवात गए थे ट्रिप के साथ ना, तो वहां से ये सारी चीजें मेरे लिए लेकर आए थे, तब बिहा नहीं थी, तो मैं ना वो मुझे कह रहे थे ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ, मैंने कहा बहुत अच्छी चीज है मुझे बहुत पसंद है, और मैंने ना ये वाली ब्रेसलेट बस पहनी है, बाकी पहनी नहीं है अभी तक कोई भी चीज। और मैं उनको कह रही थी क्योंकि मुझे ना छोटी थी ये ब्रेसलेट जो ब्लैक वाली है ना और ये सिल्वर वाली ये जो नग वाली है ना ये भी मुझे छोटी थी, तो मैं उनको कह रही थी कि जब अल्लाह हमें बेटी देंगे ना तो मैं उसके लिए उसको पहनाऊंगी उसके लिए रख लूंगी, तो बाकी अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने हमें बेटी दे दी, तो फिर मैंने ये सारी चीजें बिहा के लिए रखी हुई हैं, तो मैंने कहा ये बड़ी होगी ना तो ये पहन लिया करे, क्योंकि ये भी मुझे पूरी नहीं आई थी, ये बहुत छोटा साइज था। और ये नेकलेस ये भी क्योंकि मुझे शौक नहीं है इन चीजों का ना, ये मैं इस तरह की नहीं पहनती, तो फिर मैंने बिहा के लिए रख ली, वैसे प्यारी बहुत थी लेकिन कुछ कुछ पहननी है इसमें से, बाकी मैंने बिहा के लिए रखी हुई है, और बिहा को जब शौक चढ़ता है ना तो पहन के बैठ जाती है। तो यहाँ पे फिर ये वाले जो क्रोशिया के मुझे इयर रिंग्स आए थे ना, तो ये भी मैंने फिर ये भी बहुत प्यारा स्टाइल है और ये इतने प्यारे हैं ना मुझे बहुत ही पसंद है, ये भी फिर मैंने अपने दराज के अंदर इनको रख लिया था।
फिक्स यानी कि सारी चीजें मेरी जो है ना वो ऑर्गेनाइज हो गई थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में आपने जरूर बताना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। और आज मैंने एक शाउट आउट देना था, क्यूक इजी रेसिपीज एक चैनल है, वो बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं, तो आप उनके चैनल को विजिट कीजिएगा, उनकी वीडियोस को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और क्योंकि नए जो चैनल्स होते हैं ना हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो आप भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा, तो ये था वो माइक बोया का जो मैंने मंगवाया था ना, आप लोग पूछ रहे थे ना आप कौन सा माइक यूज करती हैं, तो मैंने ये मंगवाया था करने के लिए, लेकिन ये सही तो था लेकिन वो नहीं था मेरे मोबाइल में, नहीं ये सेट हुआ लगा ही नहीं, पता नहीं क्या मसला था इसको। तो वैसे कि 2500 का आता है, ये भी अच्छा माइक है। तो ये है वो लेमन वैक्स जो मैं यूज करती हूँ, और ये पीच ब्लीच क्रीम है जो कि मैं पाँव वगैरह के लिए सिर्फ यूज करती हूँ, फेस पे कभी नहीं लगाई। और ये मड मास्क है और ये कभी कभी लगा लेती हूँ, ऑर्गेनिक होता है वैसे तो ये। और इसके अलावा ये है मेरा नलकियों वाला डब्बा जिसको मैंने कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया, ये थोड़ी सी नलकियां रखी हूँ क्योंकि मैं सिलाई नहीं करती, मुझे बस ये है कि थोड़ा बहुत जो फट वगैरह जाए या बिया की कोई पजामे या ड्रेस वगैरह फट जाए ना तो वो सिलाई लगा लेती हूँ। फिर जो नीचे वाला पोर्शन था वो भी मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया, बिया की पोनियां यहाँ पे सूख गई थी। फिर ये एक ना छोटी सी बास्केट थी बिया के टॉयज में, ये भी निकली थी, तो मैं बिया को कह रही थी लाओ मैं ना यहाँ पे आपकी पोनियां डाल के रख दूँ, क्योंकि सारी चीजें ना इस तरह मैस हो जाता है, पूरे दराज में बिखरी पड़ी हूँ। तो फिर मैंने कहा चले छोटी पोनियां लैदा करती हूँ और बड़ी पोनियां लैदा करती हूँ। फिर मैंने जो शॉर्पनर और रेजर वगैरह का जो मैंने बास्केट लगाई थी ना, मैंने उसको खाली करके ना फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर मैंने छोटी पोनियां डाल दी, क्योंकि जो सारी चीजें जब मिक्स हो जाती हैं फिर पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज कहाँ से निकालें, तो इसलिए मैंने अलग अलग सारी चीजें डाल के रखी हैं, पोनियां पिंस और बड़ी पोनियां लैदा से, छोटे बैंड्स लैदा से और कंगियां वगैरह लैदा से रख ली हैं। तो इस तरह ये इसकी जो कबर्ड थी ना, वो सॉरी दराज था ना, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया। तो अभी मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से सारा मेरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, बस बाहर मैंने वो चीजें रखी हैं जो मैं आम कॉमन यूज करती हूँ। तो ये अबीहा का है, ये सारा ऑर्गेनाइज हो गया, पोनियां पे इनसे सारी चीजें लेदर लेदर से। और ये वाला जो है ना वो बाहर वाला, जो बाहर जो चीजें आम यूज में आती है, साथ में मैंने इसके टेडी बियर रख दिया था, और ये मेरा दराज, ये इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया था। तो ये शीट कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपको मेरी ड्रेसिंग टेबल की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी या नहीं कमेंट जरूर किया करें। और मैंने आप लोगों से ना कुछ जरूरी बात भी करनी थी, कि आप लोग मुझसे ना बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे रही, मैं आप लोगों की प्रमोशन नहीं कर रही, मैं आप लोगों को शाउट आउट क्यों नहीं दे रही। तो इसकी रीजन ये है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमेंट्स सॉरी मैसेजेस होते हैं, मैं हर एक को नहीं दे सकती। अब 500,000 मैसेज आए हुए हैं तो मैं सबको कैसे शाउट आउट दूं, कैसे प्रमोशन करूं, मैं तो पेड भी अब बहुत कम कर रही हूं। तो इसलिए प्लीज नाराज ना हुए हुआ करें आप लोग, मेरी वीडियोज आप लोगों के लिए तो है, आप लोगों के लिए तो होती है, इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कौन देता है जितनी मैं आप लोगों को चैनल के हवाले से भी देती हूँ। तो आप लोग प्लीज प्लीज बिल्कुल भी ना नाराज हुआ करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी इस मजबूरी को जरूर समझेंगे और मुझसे नाराज नहीं होंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने जो बाकी की शीट बच गई थी वो किचन में जो मेरी अलमारियां थी ना, मैंने उसमें बिछा ली थी, जो मसाला बॉक्सेस वाले कबर्ड्स थी उनके अंदर। इसके अलावा जो नीचे मेरे खाने बने हुए हैं ना किचन के अंदर, जिसमें मैंने बॉक्सेस वगैरह और बर्तन वगैरह जो रखे होते हैं ये नीचे वाले, इनके अंदर भी फिर मैंने वो शीट जो बची हुई शीट थी ना पहले की, यानी कि बाहर जो टेबल पे मैंने बिछाई थी वो वाली, और इसके अलावा साइड टेबल्स पे भी जो उतरी थी, फिर किचन के सारे कवर्स जो है ना वो भी सारे ऑर्गेनाइज हो गए थे। तो खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रही थी कि मार्ट पीके वालों ने ना ज्वेलरी पे भी सेल लगाई हुई, अगर आप लोगों में से कोई बाय करना चाहे ना तो आप बाय कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन आप लोग प्लीज ऐसे ना कीजिएगा, आप लोग ऑर्डर कर देते हैं और बाद में फिर रिसीव नहीं करते या कैंसिल कर देते हैं या फिर वापिस भेज देते हैं कि हमने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया, इस तरह कंपनी को ना बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो पिछली दफा कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर की थी तो आप लोगों ने ऐसे ही किया, मुझे ना उनकी कंप्लेन आई थी कि आपके जो सब्सक्राइबर्स है ना वो ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख भी हुआ कि आप लोगों ने ऐसे किया है। तो काइंडली इस दफा ऐसे ना कीजिएगा, अगर आपने कोई ज्वेलरी उनसे ऑर्डर करवानी है तो सोच समझ के ही ऑर्डर कीजिएगा, बाद में उनको वापस ना भेजा करें, अगर आपने करना हो तो किया करें वरना मत किया करें। खैर, तो यहाँ पे मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ अभिया के लिए, क्योंकि चिकन तो मैंने सुबह ही मैरिनेट करके रख दिया था, तो ये लंच बॉक्स के लिए उसके लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल रखे हुए बॉईल होने के लिए, एक चम्मच नमक का डाल दिया और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे 1 से 2 चम्मच, और साथ में चिकन जो मैरिनेट करके रखा था 1-2 घंटे पहले वो फिर मैंने डाल दिया था, और 5 से 6 चम्मच जो है मैंने ऑयल के भी डाल दिए थे। अभी चिकन गल जाएगा ना फिर हम सब्जियां डालेंगे और उतनी देर हम चावल भी बॉयल कर लेते हैं। ये वही राइस है जो फलक के मैंने मंगवाए थे और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था।
तो यहाँ पे फिर मैंने सब्जियां डाल दी और फिर थोड़ा सा सोया सॉस डाला, सिरका थोड़ा सा डाल दिया और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च और नमक भी डाल देंगे, 1 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे भी मैंने जो मिर्च डाली थी ना उसने बिल्कुल भी ब्लैक नहीं किया था। तो बस इसको मिक्स करेंगे, तेज आंच पे मिक्स करेंगे ताकि जो पानी वगैरह ड्राई ड्राई हो जाएगा, सब्जियों का भी जो छोड़ देती हैं वो भी ड्राई हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे सब्जियां हमारी रेडी हो चुकी थी, पक गई थी। और उसके बाद फिर मैंने ना लेयर्स लगा दी थी, थोड़ी सी सब्जियां डाली, फिर मैंने चावल इसके अंदर उबले हुए डाल दिए, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स, और फिर उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो चावल है ना वो डाल देंगे। इस तरह लेयर्स लगा लेंगे। सब्जियां आप अपनी मर्जी से ज्यादा कच्ची रख सकते हैं या ज्यादा पका लें। तो इसके अंदर ना मिसिंग सिर्फ एग्स हैं क्योंकि अंडे जो है वो खत्म हो गए थे, वरना मैंने अंडे भी जरूर डालने थे। तो यहाँ पे ना फिर मैंने स्टम लगा दिया था और ये देखिए चावल रेडी हो चुके थे, लेकिन ये इतने ज्यादा जो है ना वो खिले नहीं बने थे, क्योंकि ये फलक के राइस मैंने आपको बताया था ना ये छोटे साइज के होते हैं और बहुत ही मोटे होते हैं, तो बस ये ऐसे ही बने थे। लेकिन ये है कि लुक बहुत अच्छी नहीं आई थी, लेकिन टेस्ट इनका अच्छा था, खाने में मजे के थे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें मेरी वीडियोस को। और अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।